कई बार ऐसा होता है कि टीवी एक्टर खुद ही अपने स्टंट सीन करने की जिद करते हैं, लेकिन कई बार ये जिद भारी भी पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है सिद्धि विनायक शो के विनायक के साथ। सिद्धि विनायक के विनायक नितिन गोस्वामी हाल ही में एक फाइट सीक्वल में अपनी नाक तुड़वा बैठे, जहां अपने को स्टार गौरव बजाज के साथ चल रही इस फाइट सीक्वल में घटना हुई। नाक से लगातार बह रहे खून के कारण शूटिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उन्होंने तुरंत ही इलाज के लिए ले जाया गया। ये सीक्वल उस ट्रैक का हिस्सा है जब विनायक अपनी माँ को बचाने के लिए जेल में थे और तब गौरव और नितिन के बीच मुक्काबाजी शुरू होती है। तो नितिन के पहले मुक्के के साथ ये लड़ाई स्टार्ट होती है और फिर इस किरदार को अग्रेसिव दिखाने के लिए गौरव ने बड़ी तेजी से पलटवार किया और ये बात नितिन को पता नहीं थी। और तभी गौरव का हाथ उनके चेहरे पर इतनी जोर से पड़ा, इतने में गौरव ये समझ पाते, तभी तुरंत गौरव ने दूसरा मुक्का चला दिया जो उनकी आँख के नीचे बहुत तेजी से लगा और इससे नितिन की नाक टूट गई। इस फाइट सीक्वल के बाद नितिन ने कहा, फाइट सीक्वल हमेशा से ही चुनौतियों भरा होता है, चाहे वो छोटे पर्दे के लिए हो या फिर फिल्मों के लिए। नितिन का कहना था कि ये सीक्वल काफी महत्वपूर्ण था और ये सिद्धि विनायक का सबसे बड़ा खुलासा था।